इसे रुक के जीने का मज़ा है और रुकने का अभी टाइम नहीं अपने पास। इस बारिश की जो ब्यूटी है वो कोई और सीज़न में ही नहीं। विंड मिल का एक पंखा देखो कितना बड़ा होता है गाइस, देख रहे हो? बस में बच्चे कैसे देख रहे, देखो खड़े होके बंदर अभी इस आदमी के एक्सीडेंट का कारण बन जाता था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 21 जुलाई और मैं निकल रहा हूँ एक बहुत ही लंबे सफ़र के लिए। यहाँ से अपनी यात्रा जो है 2000 प्लस किलोमीटर दूर है, यानी कि हम जा रहे हैं केदारनाथ। फिलहाल मौसम देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं और बारिश का सीज़न चल रहा है। और जैसे कि लोग बताते हैं कि केदारनाथ का जो क्लाइमेट है वो हर 5 मिनट में बदलता रहता है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कंडीशन रहती है रेनी सीज़न में, लेकिन तब भी मैंने जो ट्रिप सडनली प्लान कर दी है और मैं निकल चुका हूँ। हालांकि मेरे साथ कुछ मेंबर्स ज्वाइन करने वाले थे लेकिन उन्होंने नहीं किया और इस वजह से मैं सोलो निकल रहा हूँ। ना मेरे साथ कोई है, ना आगे का मेरा कोई प्लान है। जस्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करूँगा पर डे, और जहाँ पे भी मेरे को धर्मशाला या चीप लॉन्जिंग मिलेगी वहाँ स्टे करूँगा। टेंट वगैरह कुछ कैरी नहीं किया मैंने क्योंकि मैं सोलो हूँ और बीच रास्ते में कहीं भी अगर सोता हूँ तो वो क्वाइट रिस्की हो सकता है, तो इस वजह से मैं वो चीज़ अवॉइड करूँगा और धर्मशाला या लॉन्जिंग के लिए जाऊँगा। और फिलहाल तो देख रहे हैं आप, घर से निकलने के लिए बज चुके हैं 7:30 और फिलहाल सबसे पहले अपन करेंगे टैंक फुल और उसके बाद निकलेंगे और उसके बाद सीधा अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और अर्ली मॉर्निंग है तो पूरा मार्केट देख सकते हैं आप पूरी तरीके से बंद है। तो यहाँ पे बारिश जो है आपको स्क्रीन पे ड्रॉपलेट दिख रहे होंगे कि यहीं से जो बूंदाबांदी चालू हो चुकी है। तो फिलहाल रेनकोट वगैरह सब कैरी कर लिया है मैंने एंड कुछ हैवी बारिश हुई आगे तो फिर मैं रेनकोट भी पहन लूँगा। तो फिलहाल हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर और फिलअप करते हैं पेट्रोल। तो फुल टैंक कैपेसिटी तो इसका 13 लीटर का है, तो देख सकते हैं इसमें पेट्रोल अपन ने पूरा जो भरा है, फिर अमाउंट आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे जो पेट्रोल भरा है अपन ने वो है 1235 रुपये का। और देख पा रहे हैं आपकी पेट्रोल आया है सिर्फ 11.71 लीटर, तो लगभग 12 लीटर के करीब है। और देखते हैं अपनी जो जर्नी है वो इस पेट्रोल इस टैंक में फ्यूल टैंक में कहाँ तक कंटिन्यू होती है। फिलहाल जहाँ पे भी फिलअप होगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा कितना किलोमीटर ट्रैवल हुआ है। और रास्ते मेरे गांव से जो है काफ़ी हाईवे तक लगने तक काफ़ी बेकार हैं, तो आप कहीं कहीं रास्ते अच्छे भी हैं कहीं बेकार भी हैं। तो फिर जैसी भी होगी जर्नी अपनी काफ़ी ख़तरनाक होने वाली है क्योंकि सोलो हूँ, कुछ भी प्लान नहीं है, जस्ट कपड़े उठा लिए हैं, रेनकोट उठा लिया है, स्वेटर उठा लिया है, जो भी और रेनी सीज़न में एक्सेसरीज लगती है वो चीज़ें सब ले ली है मैंने और निकल चुका हूँ मंजिल की ओर। जानता हूँ रास्ता आसान नहीं है, तकलीफ होने वाली है, लेकिन जर्नी तो करनी है। तो जैसे कि वेदर कंडीशन आप देख पा रहे हैं काफ़ी क्लाउडी और ग्रीनरी चारों तरफ और ना धूप, फिलहाल तो बारिश भी नहीं है और जो वेदर कंडीशन है बहुत ही प्यारा है, ना गर्मी हो रही है ना कुछ, और बीच बीच में थोड़े बहुत बूंदी बूंदाबांदी हो रही है तो उसे अवॉइड करते चलेंगे अपन। और देखिए कैसे रास्ते आ रहे हैं बीच बीच में, तो ऐसे रास्तों से जो है अपनी जर्नी होते हुए निकलने वाली है। और एक बार हाईवे पे लग गए तो फिर आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई गेस होगा बीच बीच में अगर मैं शॉर्टकट वगैरह लेता हूँ तो। तो ये कुछ मेरे गांव के पास वाला नज़ारा फिलहाल बारिश के मौसम में। और बीच बीच में गाइस थोड़ा बहुत बारिश वगैरह आता रहे हो तो मैं अपने GoPro, भले ही मेरा वाटरप्रूफ है लेकिन मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता क्योंकि यार जर्नी अपनी बहुत लंबी है। और इस वजह से जैसी जहाँ पे भी बारिश होगा तो मैं GoPro जो है बैग में डाल दूंगा क्योंकि मैं इसे डैमेज नहीं करना चाहता और पूरी जर्नी जो है कैप्चर करना चाहता हूँ। जैसे अगर रात में मैं कहीं पहुँचता हूँ
होटल वगैरह में और वहाँ पे स्टे करता हूँ और बारिश की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको मैं बता दूँगा कहाँ रुका हूँ, कितना बजट वगैरह सब जो है आपको डिटेल दे दूँगा मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल रेनी सीज़न है तो ये प्रिकॉशन मेरे को लेना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते सीधे आपको हाईवे पे। तो गाइस ये आ गया अपना हाईवे एंड टाइम हो चुका है 9 बज गए। लंबा सफ़र है, 2000 किलोमीटर का रन है और आज का जो अपना डेस्टिनेशन ट्रैवल होगा वो होगा इंदौर, जो कि 650 किलोमीटर है। तो फिर काफ़ी हार्ड है लेकिन एक्सप्रेस हाईवे काफ़ी अच्छा होने के कारण मैं शायद रीच भी कर पाऊँ, कोशिश तो करेंगे। और 12 घंटे का हिसाब अगर पकड़ के चले तो फिर शायद पहुंच भी जाए अपन, पर आवर 50 किलोमीटर भी निकाल लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही निकाल लेंगे वैसे तो पर आवर में, डिपेंड करता है हाईवे पे। और बारिश का मौसम देख ही रहे, बादल छाए हुए बारिश का मौसम बना हुआ है, रेनकोट मेरे को एक जगह पहनना पड़ेगा, होपफुली अगर बारिश ना आए तो बेहतर ही है। और आ भी गया तो मैंने इसके लिए प्रिपेयर्ड हुई, मैं आपको बेस्ट क्वालिटी देने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे लोग हाईवे पे एक चल रहे हो भाई, गार्डन में नहीं, ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनसे बच के रहना पड़ता है। और यही जो है अपने ट्रिप को नुकसान देने वाले लोग हैं, ऐसे जो बीच रास्ते में आ जाते हैं भी हाईवे के, थोड़ा गाड़ी वीड़ी देख के थोड़ा वेट करके निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वैसे। एक तो गाड़ी का पिकअप इतना स्पीड, उसके ऊपर से फिर ये सामने अचानक आए थे, प्रॉपरली ब्रेक भी नहीं लग पाता है, चीज़ें क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हैं। और सिटी एरियाज में कैमरा चालू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ठुक ठुका गया तो फिर अपनी गलती नहीं दिखनी चाहिए भैया, आउटसाइडर को तो पता ही आपको पब्लिक कैसे मतलब ट्रीट करती है। तो गाइस अभी मैं रास्ते पे रुका हुआ हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, आगे निकलते हैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके। मैंने पोहे ऑर्डर किए, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाना, मेरे को ट्रैवल भी करना है, हेल्दी रहना चाहता हूँ मैं, कुछ ऐसा ऑयली वगैरह खा के अपना हेल्थ को बिगाड़ना नहीं चाहता। बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूज़िक का आवाज़ आ रहा है, पता नहीं आपको क्लियर मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है कि नहीं। चलो मिलते हैं आपको अगले स्टॉप। तो मैं आ चुका हूँ नेकनूर, बीड जिले में जो है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि ये बाजार इलाका मतलब मार्केट है आज के डे पे यहाँ पे, तो इस वजह से क्राउड बहुत है, भेड़ बकरी मुर्गियाँ का बाजार दिख रहा है। तो यहाँ से छत्रपति संभाजी नगर 143 किलोमीटर है और बज रहे अभी 10:42, तो अराउंड 150 किलोमीटर, तो एक घंटे में दो घंटे में कवर करना ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हूँ मैं पीछे, और इस वजह से मेरे को इंदौर पहुँचने में बहुत डिले होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। एंड सो अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इस वजह से जो अपना टाइम है वो मैनेज हो पाए। और काफ़ी अच्छा रास्ता है तो फिर मेरे नो डाउटली यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम भी ना हो मुझे, तो चीज़ें तो कह के फिलहाल नहीं रहती, लेकिन जो भी है होपफुली अच्छा रास्ता मिला मेरे को। बीच में डिवाइडर है, पहले इतना अब तक 91 किलोमीटर चल चुका था लेकिन बीच में डिवाइडर नहीं था, तो सो फास्ट चल के कोई मतलब ही नहीं था। तो अभी जब डिवाइडर मिल ही चुका है एंड रास्ता भी क्लीन है, वी कैन गो इजीली। मेरे को पता नहीं विंड ब्लास्ट शायद बहुत ज़्यादा होने का आपका आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रॉपरली, लेकिन मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके मतलब आप तक ऑडियो क्लियरली पहुँचे। इससे रुक के जीने का मज़ा है और रुकने का अभी टाइम नहीं अपने पास, इससे बड़े जो पहाड़ है अपने लिए इंतजार कर रहे हैं आगे, बड़ी बड़ी वादियां हैं, नदियां हैं, पहाड़ जो है आसमान छू रहे हैं,
इस बारिश की जो ब्यूटी है वो कोई और सीजन में ही नहीं है। ऐसे पागल लोग रहते बेदर, कहां से गाड़ी घुसा रहा है, कहां से निकाल रहा है यार। मतलब जहां डिवाइडर के बीच में, झाड़ियों के बीच में से जहां कुत्ता बिल्ली आने का डर है, वहां से इंसान गाड़ियां निकाल रहा है। बोलो हाँ, वन मोर पियर ओपन। देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है झाड़ियों के बीच से सिर्फ कुत्ता है बिल्ली या कोई अदर जानवर ही नहीं, बल्कि इंसान भी अपना बल्कि इंसान भी अपनी गाड़ी लेके निकल सकता है। अब तो भाई मैं रोड की इस साइड से चलने वाला हूँ, पता चला कहीं से बीच रास्ते से कोई गाड़ी वाला और निकल रहा है बाहर। कुछ बेवकूफ़ है जो लिटरली आपके ट्रिप को जो है ख़राब कर सकते हैं, तो उन बेवकूफ़ों से ज़रूर बचें अगर आप राइड पे हैं। विंड मिल का एक पंखा देखो कितना बड़ा होता है गाइस, देख रहे हो एक पंखा कितना बड़ा है देखो। छत्रपति संभाजी नगर 33 किलोमीटर। अच्छी बात यह है गाइस कि मतलब बादल हटने लग गए हैं और धूप थोड़ी बहुत नॉर्मली गिर रही है, तो मैं अभी रेनकोट फ्री हूँ। विदाउट रेनकोट काफ़ी अच्छा लग रहा है राइड करने में, और मैं एक्सेप्ट ये कर रहा हूँ कि मेरे को 3 दिन बारिश लगे ही ना अभी, चाहे केदारनाथ में पूरा दिन भीग के ऊपर क्यों ना जाना पड़े, लेकिन जो 3 दिन अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ ना 2000 किलोमीटर्स, तो फिर वो 3 दिन बारिश ना मिले तो ही बेटर है। तो गाइज मैंने संभाजी नगर क्रॉस कर दिया है और मैं बहुत आगे भी आ चुका हूँ। बज रहे हैं 1, बस में बच्चे कैसे देख रहे थे वो खड़े होके। हाँ शायद मैंने कुछ किलोमीटर बचाने के लिए हाई छोड़ के गलती कर दी है, क्योंकि ये बहुत छोटा रास्ता है और इसमें अपन टॉप स्पीड पे नहीं जा पाएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सिचुएशन अभी। ये बीच बीच में कॉल आ रहे हैं यार मेरे को, मैं मैप पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ, पता नहीं क्या। अब मेरे को लग रहा है जो रास्ता है पूरा पहाड़ों से होके जाने वाला है, अगर ऐसा हुआ तो वही तो एडवेंचर है भाई। वो ये बंदर अभी इस आदमी के एक्सीडेंट का कारण बन जाता था, बस गया। अरे बाबू ये एक्सपल का चार्जिंग पॉइंट बहुत बेकार है, दिखा तो रहा है चार्जिंग हो रहा है लेकिन चार्जिंग उतर तो रही है लेकिन चार्जिंग परसेंटेज बढ़ ही नहीं रहा है। बोलो तो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ शिलोंग और यहाँ पे कम से कम 300 किलोमीटर मैंने राइड कर दी, कंप्लीट पूरी कर दी है। और ट्रैवल के बारे में बताऊँ तो मैंने नेशनल हाईवे छोड़ के छोटा हाईवे पकड़ा, तो इस वजह से बहुत परेशानी हो गया, थोड़ा डिले हो रहा है जाने में, बाकी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। सिटी बहुत आ रही है बीच बीच में, तो स्पीड कम हो रहा है, ट्रैवलिंग टाइम बढ़ रहा है, तो बस वही अभी खाना खाने बैठा हूँ, लिए अपना थोड़ा सा दाल फ्राई वगैरह खा रहे हैं अभी, और फिनिश करके निकलते। थोड़ा बहुत बारिश भी आ रहा था तो सोचा रुक जाऊँ, और वैसे भी टाइम अभी हो चुका है पूरे 2:30 बज रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल खाना हो रहा है। मैं आपको खाना होने के बाद अंदर भी मिलता हूँ, कोशिश करूँगा बड़ा भी पकड़ लूँ ताकि फटाफट इंदौर पहुँच जाऊँ। 650 वैसे भी एक दिन में बहुत बड़ा टारगेट है, देखते क्या होता है, मिलते हैं आपको आगे। हे देख रहे हो वादिया, अरे चाचा जरा धीरे, तुम पहाड़ी पे हो ऐसे भगाओ मत,
गाड़ी बंद कर दी है भाई मैंने। घाटी लगी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। सोचा तो नहीं रुकूंगा, लेकिन ब्यूटी इतनी है कि इधर रुकना ही पड़ा। लातूर, लातूर, हाँ 2000। चलो तो गाइस, जैसे ही बोल रहा था कि मैं अभी भी जो इंदौर है मुझसे 270 किलोमीटर दूर है और अभी 5:15 होने को है। इतना डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच बीच में बारिश भी चल रहा था, तो फिर मैं जैसे ही बारिश हो जाती तो मैं रेनकोट रुक के पहनता था, फिर वहीं पे 10-15 मिनट निकल जाते थे। एंड सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि मैं जो नेशनल हाईवे है वो छोड़ के एक छोटे से हाईवे से जा रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि इतना छोटा सा हाईवे है तो फिर मैं ये रूट से कभी नहीं आता। अब तक तो मैं काफ़ी लंबा चल जाता था। और यहाँ पे थोड़े से खड़े हैं हम लोग, पकड़ा है ट्रक को, MS-41। चलो बस, देखा अपने को हाथ नहीं। वैसे डॉक्यूमेंट अपना क्लियर है, कोई इश्यू तो था नहीं। मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कैसा है सिटी एरिया है और कोई कहीं से भी आके ठुक सकता है, इस वजह से मैं रिकॉर्ड करना कंपलसरी समझ रहा हूँ। लेकिन मैं तो देखो ना, ये इंडिकेटर दे रहा है ट्रक वाला ना कुछ, सीधा अपना घुसेड़ रहा राइड में। देखते 9 बजे तक राइड करता हूँ मैं, वैसे तो आसपास पहुँच ही जाऊँगा इंदौर के, और मेरा रीचिंग टाइम अभी 12:45 बता रहा है। तो फिर अगर यहाँ पे रूट मेरे को थोड़ा सा बड़ा मिल गया ना, तो फिर मैं ये कवर कर सकता हूँ टाइम। बस थोड़ा सा बड़ा रूट मिल जाए मेरे को, मतलब इन द सेंस बड़ा रास्ता 2-3 लेन वाला, मैं यहाँ पे 70 अबाउ नहीं जा पा रहा हूँ। 10 लीटर पेट्रोल, 1000 का पेमेंट किया मैंने अभी, 1090 मतलब अराउंड 1100 पकड़ लो, और सुबह का 1200 समथिंग था। जो मॉर्निंग में फ्यूल डाल था उसमें बाइक गई है 367। गाड़ी बंद पड़ गई, क्या हो गया? क्या पता क्या होगा, उसको पेट्रोल भी है। हाँ चालू नहीं हो रही हो अभी। फिर आप कहाँ रुके थे? मैं पीछे रुका था, रेनकोट वगैरह पहन रहा, थोड़ा बारिश चल रहा था ना आगे। हाँ इस वजह से इसे को फोन वगैरह कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? ये यार पास में 5-10 किलोमीटर। अच्छा भी तुमको ड्रॉप भी करता था, लेकिन अभी सामान है कैसे है समझ? सामान ही मैंने ऐसे रुकाया। हाँ बीच में रुकाया आपके लिए गाड़ी, क्या आपको कुछ आप नाश्ता करेंगे गांव में हमारे रुका कर? हाँ हाँ मेरे को क्या लगा आप हाईवे से निकल गए क्या? नहीं नहीं ठीक है, निकलते नहीं। हाँ चलेगा चलेगा, ठीक है क्या? रुकते पास के गाँव में थोड़ा खा रहे हैं, नाश्ता करेंगे। नहीं नहीं थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू, कोई बात नहीं। पाँच मिनट गाड़ी चालू होगी तो अपन साथ में जाएंगे। 5 मिनट रुको बस, हाँ रुको 5 मिनट, अभी चालू होगी तो हाँ साथ में। चलो देखते हैं इनका क्या सीन है एक बार। उतर उतर ये दोनों बंदे मेरे को पीछे शायद मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर पीछे मिले थे आई गेस, या उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अभी इनका क्या मैटर, गाड़ी चालू नहीं है बोल रहे हैं। प्लग बिग निकाल के देखें क्या? हा? प्लग वगैरह निकाल के देखें, प्लग देखा निकल के? ढकेल के चेक किया क्या? निकलो चलो ठीक है। अभी कौन सा गाँव है आगे? अच्छा चलो, अभी रिक्वेस्ट कर रहे थे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके चल जाओ हमारे साथ, मैं भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अभी इनका गाड़ी चालू होने का कुछ ऐसा लग नहीं रहा अंदाज, तो जो भी है अभी वो लोग को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मेरे को तो निकलना पड़ेगा। सॉरी गाइस, मैं इनमें से किसी एक को भी लेके जा सकता था आगे, बट सीन ऐसा है कि लगेज है, फिर लगेज लेके बंदा बैठ नहीं सकता, वो बैठ ही नहीं सकता, मतलब
पॉसिबल ही नहीं है। जय श्री राम। रस्ता चांगला आहे का ही? रस्ता चांगला आहे का? इंदोरला चाललो मी। मुक्त्यानगर सरळ बरमपूर। बरमपूर मग हे काय कशाचं आहे? ही लातूरून निघालो मी केदारनाथला। लातूरवरून? हा, लातूर ते केदारनाथ। मुक्काम नाही करत का? नाही, इंदोरला करायचं मुक्काम आता। हा मग पॉसिबिलिटी आता पॉसिबल पोहोचू ना। हा तेच बघू। हे काम करा ना। कुठे बंडू आता? इथं कुठं मंदिर आहे ते मोठं रस्त्यामध्ये? नाही नाही नाही, आपलं बरमपूरच्या पुढे कोणतं आहे ते ओंकारेश्वर? तुम्ही थांबू शकता? कुठे? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर किती वेळ लागेल यांना जायला ओंकारेश्वरला? एक घंटा पोहोचा तुम्ही ओंकारेश्वरला। तिथं रेंट वगैरे काय? नाही, तिथं सर्व मंदिराचं सर्व फ्री आहे तिथं, है ना। तो गाइस अभी जो मेरे को मिले थे अच्छे मैन से पूछ लिया, इन्होंने मेरे को एक पॉइंट बताया ओंकारेश्वर मंदिर जो मध्य प्रदेश में है। एंड वो लोग ने बोला कि इंदौर जाने से अच्छा तुम वहाँ पे स्टे कर लो, इंदौर पॉसिबल। इंदौर भी वहाँ से एक 40 किलोमीटर है, लेकिन सीन ऐसा है कि वहाँ पे इंदौर में भी जाके रुकना और यहाँ पे भी रुकना है। तो यहाँ पे देखो अभी टाइम मेरे को दिखा रहा है 10 बजे तक तो मैं पहुँच जाऊँगा, 10:30 जो भी है। तो ये मेरे को रिलायबल लग रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टे वगैरह, रहने का, खाना वगैरह है। ये मेरे को बहुत प्लस पॉइंट अच्छा लगा। वैसे भी मैं उधर जाके इंदौर में वैसे ही धर्मशाला में रहने वाला था, तो फिर जहाँ पे मेरे को नाइट ट्रैवल करना नहीं है और बेसिकली 10 बजे तक तो एवरेज टाइम मैं कर सकता हूँ राइट। तो आज के दिन का जो कवर हो जाएगा मेरा 500 किलोमीटर्स होपफुली। फाइनली मैं महाराष्ट्र के बाहर MP तक तो पहुँच ही जाऊँगा। ये क्या सीन है भाई, दरवाजा के रस्सी से बांध रखा है भाई ने, AC डाल रखी अंदर और दरवाजा बांध रहा रस्सी से। ये भाई गाड़ी गंदा चला रहा है बहुत ज़्यादा, क्लोज कॉल पे ये जो है ओवरटेक कर रहा है। ब्यूटीफुल सीन, लेकिन रुक नहीं सकता क्योंकि अभी और 150 किलोमीटर जाना है, 158 किलोमीटर्स। यहाँ पे गाइस थोड़े लड़कियाँ हैं जो कहीं ट्रिप पे जा रही हैं, जो देख देख के हंस रही हैं। रो मेरा शायद यूट्यूब पे नाम पड़ा और उन्होंने सामने जो लिखा हुआ है। अरे सीन ऐसा है कि रोड है छोटा, मैं स्पीड बढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ तो ना ही प्रॉपरली ओवरटेक कर पा रहा हूँ। तो गाइस हम MP में एंटर कर चुके हैं। MP में एंटर होते ही देख रहे हो रास्ते, किस किस खड्डे को काटूं, कहां कहां से काटूं। अभी रिसेंटली ही मैंने महाराष्ट्र बॉर्डर और MP बॉर्डर क्रॉस किया। वो बहुत ही बढ़िया लोकेशन, इतनी बड़ी नदी सूखी पड़ी है, सूखी तो नहीं है वैसे, वेल एंड गुड दिखती रही है। वाह क्या नज़ारा, थोड़ा सा और अर्ली आता ना बहुत ही बढ़िया, आपको शायद दिख जाता। अब इसका तो एक मोमेंट होना चाहिए, यहाँ पे रुकना तो बनता है।